दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय मोती महल डीलक्स 100 ईयर्स ऑफ ब्रिलियंस एंड आशी द फैशन स्टूडियो। हिमाचल प्रदेश में चुनावी वर्ष में चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने की मांग फिर से उठने लगी है। बुधवार को पंगवाल एकता मंच राजभवन पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पांगी को अलग विधानसभा बनाने के साथ स्वायत्त विकास परिषद का गठन करने और चेनी टनल का निर्माण करने की मांग की। वहीं एकता मंच ने यह साफ कर दिया है कि यदि इन मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में विधानसभा चुनावों में पांगी क्षेत्र के सभी लोग चुनावों का बहिष्कार करेंगे। पंगवाल एकता मंच का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र न होने से पांगी घाटी विकास के क्षेत्र में हर रोज पिछड़ रही है। पांगी में 16,000 से ज्यादा मतदाता हैं और सर्दी के मौसम में 6 माह तक देश व प्रदेश से कटे रहने वाले जनजातीय क्षेत्र पांगी की इस समस्या को हल करने के लिए सरकार की ओर से आज तक कोई भी उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। पांगी विधानसभा क्षेत्र को बनाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। पांगी को भरमौर विधानसभा के साथ रखा गया है जबकि भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। क्षेत्र के लोगों को भरमौर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। 2026 में होने वाली डिलिमिटेशन में पांगी को अलग से विधानसभा बनाया जाए। इसके अलावा पांगी स्वायत्त विकास परिषद का जल्द गठन करने का आग्रह किया गया है। साथ ही चेन्नी टनल निर्माण की मांग को लेकर राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को भी ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पंगवाल एकता मंच एक गैर राजनीतिक मंच है जो कि पांगी के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करता है। प्रदेश में चुनावी वर्ष है, ऐसे में यदि यह सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले विधानसभा चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। आज अभी हम सुबह माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिले थे। हमारे मुख्य 3 मुद्दे हैं, पांगी विधानसभा क्षेत्र की बहाली जो अभी भरमौर विधानसभा क्षेत्र के साथ संबद्ध है, नंबर 2 पांगी स्वायत्त विकास परिषद का गठन ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, नंबर 3 चैनी टनल प्रोजेक्ट का निर्माण। महामहिम से मिलने के उपरांत अभी हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कम्प्लेक्स में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा डेलीगेशन 25-30 लोगों का अभी विधानसभा एनेक्सी में मिला था। हमने वही मांगे माननीय मुख्यमंत्री के महोदय समक्ष ज्ञापन रखा। सरकार का या मुख्यमंत्री का ये तर्क था कि आपको स्वायत्त परिषद नहीं दी जा सकती है क्योंकि हमने आपको MLA दिया हुआ है। अगर पांगी स्वायत्त विकास परिषद का गठन किया जाता है तो एक नई परिपाटी शुरू हो सकती है, दूसरे क्षेत्रों में भी ये देनी पड़ेगी। पंगवाल एकता मंच का ये स्टैंड था कि मोदी हम आपसे 17 अगस्त 2021 को पांगी किलाड़ में भी इसी मुद्दे को लेकर मिले थे जिस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। पंगवाल एकता मंच पंगवाल समुदाय के लिए स्वायत्त विकास परिषद इसलिए मांग कर रहा है, हमें विधानसभा में कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। पांगी से 1967 के बाद आज तक कोई MLA नहीं बना है। तो देखिए अभी चुनावों के लिए बहुत समय है, अभी हम सरकार से दोबारा फिर आग्रह करेंगे, दबाव बनाएंगे, अभी जनता के बीच में जाएंगे। हम हो सकता है पांगी किलाड़ में हमारे को विरोध करना पड़े, हो सकता है एक डेलीगेशन 1,500 लोगों का द्वारा शिमला धर्मशाला आना पड़े, हम सभी चैनल एग्जॉस्ट करेंगे। उसके बाद ये सरकार नहीं मानती है, ऑब्वियस है, पॉलिटिकल ईयर है, इलेक्शन ड्यू है विधानसभा के, जो पार्टी पंगवाल के हितों को दरकिनार करेगी मुंह तोड़ जवाब तो दिया जा सकता है। तो हम पंगवाल का यही मत है कि अगर 2026 में हमारी एक्सपेक्टेड है डिलिमिटेशन, तब तक हम सरकार से मांग कर रहे थे कि एक बार हमारे को स्वायत्त परिषद जो कि लद्दाख क्षेत्र में सरकार ने दिया हुआ है, भारत की संविधान में सूची 5 में इसकी विवरण किया गया हुआ है, तो हम जो सरकार दे सकती है, आपका त्रिपुरा में सरकार ने दिया, आपका मेघालय में सरकार ने दिया, आपका मिजोरम में सरकार ने दिया है, तो भारत के हिमाचल में क्यों नहीं दे सकती है सरकार। उसके लिए जैसे हम राज्यपाल जी से मिले, राज्यपाल जी का बहुत ही अच्छा आश्वासन हमें मिला हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे पर हमें निराश किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि इस पे मुख्यमंत्री जी को दोबारा सोच विचार करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास बहुत विकल्प है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।